नेमावर के नर्मदा तट पर तुलादान का ठेका नगर परिषद कार्यालय में सीएमओ बलिराम मंडलोई और नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णा गोपाल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। देवास जिले का नेमावर पौराणिक एवं धार्मिक नगरी है। यहाँ 12 महीने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। घाट पर पहुँचने वाले अधिकांश श्रद्धालु मन्नत तुलादान और अन्य प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस वर्ष तुलादान ठेके की नीलामी प्रक्रिया में कुल 5 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया, जिसमें सरकारी बोली 2,30,000 रुपए रखी गई थी। सबसे अधिक 5,50,000 की बोली लगाकर नेमावर के संजय शर्मा ने यह ठेका अपने नाम किया। नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने बताया, नेमावर एक धार्मिक नगरी है। यहाँ श्रद्धालु नर्मदा तट पर अपने बच्चों का तुलादान करते हैं। उसी की व्यवस्था को लेकर नगर परिषद के द्वारा तोल कांटे की नीलामी की गई। 5 ठेकेदारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था तोल कांटे की नीलामी की, जिसमें मैंने भी भाग लिया था, जिसमें सभी ने अपने अपने मत के अनुसार बोली लगाई गई। उसमें मैंने भी मेरे मत के अनुसार 5,50,000 की बोली लगाकर यह ठेका अपने नाम किया नगर परिषद नेमावर। यह 31 मार्च 2025 तक रहे। माँ नर्मदा का पावन तीर्थ स्थल नेमावर है, माँ नर्मदा का नाभि तीर्थ है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पर्वों पर स्नान के लिए आते हैं और हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन माँ नर्मदा में स्नान करते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत के स्वरूप वो अपने परिवार का तुलादान करवाते हैं। वहाँ पर व्यवस्था नहीं बिगड़ी, इस कारण नगर परिषद नेमावर ने वहाँ पर तोल कांटे का आज नीलामी की है। इस नीलामी के माध्यम से नगर परिषद एक व्यवस्था बनाना चाहती है। इसमें आज 5 ठेकेदारों ने नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। शांतिपूर्ण नीलामी प्रक्रिया यह हुई। इसमें 5,50,000 रुपये में सर्वाधिक बोली संजय पिता ओम प्रकाश जी शर्मा ने लगाई। 50,000 रुपये लगाकर तोल कांटे नीलामी में भाग लिया है और इसका 25% राशि वो 24 घंटे के अंदर नगर परिषद में जमा कर एग्रीमेंट करवाएंगे। बाकी राशि नगर परिषद ने समझा दी है, वो किस्तों के द्वारा वो राशि का जमा करवाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।